स्टूडेंट, ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए जिनका कल एग्ज़ाम होना है, ठीक है। तो वीडियो डालने में थोड़ा मैं लेट हो गया और लेकिन फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जो कल आपका एग्ज़ाम है ग्रुप थ्योरी यानी एवेस्टेक एलजेब्रा वाला जो पेपर है उसके लिए, तो उसके रिगार्डिंग अगर बात करूँ तो देखिए, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपकी है कार्डन मेथड, ठीक है। इस कार्डन मेथड पे आप एक दो क्वेश्चन करके घर पे प्रैक्टिस करके जरूर जाइए। 5 नंबर का आता ही है, हर बार आता है, ठीक है। उसके बाद लैंग्रेज थ्योरम जो है वो भी 5 नंबर में आपकी आती है, तो इस पर थोड़ा फोकस करके जाएं इन चीज़ों पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन चीज़ों पे फोकस करके जाएं बहुत अच्छे से। एक है कैले थ्योरम और इसमें भी आपके 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है उस पर, और एक है कैलोलरी थ्योरम तो इस पर भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। और उसके अलावा ग्रुप प्रूविंग क्वेश्चन जो होते हैं ना, ग्रुप थ्योरी वाले रिलेटेड हैं, जिसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों को प्रूव करना होता है, सेटिस्फाई करना होता है, वो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ पर। तो ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है 100%, हर हाल में आपको ये तैयार करके जाना है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे टॉपिक्स या सारे जो भी आपके हैं इन पे प्रैक्टिस करके जाना क्वेश्चंस की। और अगर बात करें तो अनदर क्वेश्चंस की, तो देखिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन सॉल्विंग बाय द डेस्केट मेथड, तो डेस्केट मेथड जो है उस पर भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भैया इस पे फोकस जरूर करें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करें जो मैं आपको आज वीडियो में बता रहा हूँ। तो आपके पास रात पड़ी है, रात में बहुत प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस पे, 2-3 क्वेश्चन जरूर निकाल के जाएं, तब आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 5 नंबर में आते हैं, और उसके अलावा आइडेंटिटी परमट्यूशन वाले जो हैं वो आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो ठीक है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा हुआ आपका 15 नंबर का, तो ये ग्रुप प्रोबिंग क्वेश्चन है, यहाँ से आना ही आना है, एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो भैया इस पे आप लोग पूरा फोकस करें और इसको रात पढ़िए, रात में अच्छे से इसमें 2-2 भी अगर क्वेश्चन निकालेंगे ना सारे टॉपिक्स पे, तो आपको मतलब एक मेथड पता चल जाएगा और मेथड से आप वहाँ पर निकाल पाएंगे, अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर करके आएंगे तो आपको मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपके नंबर जो है बहुत ही बेहतरीन आएंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ, लेकिन जितना मेरे से हो पा रहा है उतना मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ मैं। और बाकी अगर कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर कब डालोगे नोट्स वगैरह, कब डालोगे जब एग्ज़ाम निकल जाएंगे, तो उसके लिए मैं क्षमा चाह रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने अभी डिसीजन लिया नोट्स वगैरह डालने का, तो एकदम से सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना थोड़ा सा दिक्कत आती है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी चीज़ें देता रहूँ, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि मैं फालतू की चीज़ें डालूँ, तो फालतू की चीज़ें डालने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं वही चीज़ डाल रहा हूँ जो आपके काम की चीज़ हो। तो कोशिश करें कि इसको आप तैयार करके जाएं, तो आपके काफ़ी बेहतरीन नंबर हो सकते हैं, ठीक है। बाकी पेपर आप देकर आएंगे कल को, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा गया आप लोगों का एग्ज़ाम।